नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। आज मैं वर्तमान समय में पारित किए गए नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज मैं आपके सामने लाया हूँ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वर्तमान समय में छात्र, शिक्षकों एवं अभिभावकों सभी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, अतः मेरी यह वीडियो अवश्य देखें। आज मैं आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा, जिससे भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में सभी कक्षा समूहों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है, तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के कुछ ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि यह कंटेंट्स कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला कंटेंट्स हमारी नई शिक्षा नीति क्या है, यह किसके किसके लिए है, क्या यह उपयोगी है, इसके क्या परिणाम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं तथा शेयर करें। नई शिक्षा नीति भविष्य में नई जॉब, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य एवं तमाम अन्य खूबियों के साथ बनाई गई हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं यह वीडियो। नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। नंबर पहला पॉइंट, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित होगी। नंबर दूसरा पॉइंट, वर्ष में अब दो बार बोर्ड परीक्षा होंगी। नंबर तीसरा, सरकारी जॉब अब आसानी से मिल पाएगी। ग्रेजुएशन अब 3 साल से बढ़कर 4 साल हो गया है। ध्यान दें, छात्र एवं अभिभावक इसे ज़रूर देखें। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर आइए, मैं आपको बताता हूँ पहले पॉइंट को। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित होगी। इसमें 5+3+3+4 का मतलब है कि सबसे क्रमशः बताते हैं आपको। नंबर एक, पहला पॉइंट, जिसमें पहले पाँच में प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्ले ग्रुप और कक्षा एक एवं कक्षा दो सम्मिलित हैं। पाँच के बाद अंक नंबर तीन, अर्थात अंक तीन में कक्षा तीन, कक्षा चार एवं कक्षा पाँच सम्मिलित हैं। फिर प्लस तीन में कक्षा 6, 7 एवं 8 के स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात कक्षा 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स का कौशल निखारा जाएगा, उनमें कौशल का विकास किया जाएगा। एवं प्लस चार में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 को सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य जिस भी विषय में छात्र को गहरी रुचि हो उसको उसमें विकसित करना है, उसको पारंगत करना है, अर्थात जिस विषय में उसको छात्र को रुचि हो उस विषय में सर्वोत्तम बनाना है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर एक, पाँचवीं तक की कक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। नंबर दूसरा, छठवीं से पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। नंबर तीन, नवीं से बारहवीं तक की कक्षा में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। नंबर चार, सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के लिए एक ही मानदंड तैयार किया जाएगा, अर्थात एक ही सिलेबस, एक ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा, जिससे कोई भी छात्रों का, किसी भी छात्रों का किसी भी स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होता है तो वह उसी पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा दे पाएगा। सेम पाठ्यक्रम होगा तो सेम परीक्षा होगी, तो इसलिए वह आसानी से पाठ्यक्रम को तैयार करके परीक्षा दे सकता है। नेक्स्ट पेज में नई शिक्षा नीति 2020 में नंबर पहला पॉइंट बिंदु है, नंबर पहला पॉइंट है, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी प्रणाली। किसी भी डिग्री कोर्स में 1 साल करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल करने पर डिप्लोमा, 3 साल करने पर डिग्री प्राप्त होगी। नंबर दूसरा पॉइंट, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 3 वर्ष की डिग्री कोर्स के बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स होगा, अर्थात 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड के बारे में आपको फिर से बताता हूँ। 4 वर्षीय बीएड आफ्टर 12th के बाद होगा, अर्थात आप जब कक्षा 12 कर लेंगे उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 4 वर्ष का होगा। यदि आप 3 वर्ष की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद बीएड 2 वर्ष का होगा। यदि आप पीजी कर लेते हैं तो उसके बाद बीएड 1 वर्ष का होगा। बीएड जैसे कोर्सों को करने के लिए यह योजना छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
आइए इन बिंदुओं को एक बार अच्छी तरह से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है, बहुस्तरी प्रवेश एवं निकासी प्रणाली। किसी भी डिग्री कोर्स में 1 साल करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल करने पर डिप्लोमा, 3 साल करने पर डिग्री प्राप्त होगी, अर्थात 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 3 वर्ष की डिग्री कोर्स के बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड को कैसे करेंगे देखते हैं। जब 4 वर्षीय बीएड अर्थात आफ्टर 12th, जब हम कक्षा 12 कर लेंगे उसके बाद हम जब बीएड करते हैं तो 4 वर्ष का होगा। कि कोई भी प्रकार की यूजी डिग्री करते हैं अर्थात 3 वर्ष की डिग्री करते हैं तो हमें 2 वर्ष का बीएड करना पड़ेगा, और जब हम पीजी करते हैं तो उसके बाद हमें 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर ध्यान देते हैं, शिक्षक नियुक्त प्रणाली। इसमें शिक्षक का कैसे भर्ती की जाएगी, शिक्षक कैसे इसमें एंट्री लेगा, शिक्षक कैसे आवेदन करके इसमें क्या 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 करने के लिए अनिवार्य है बीएड के लिए। जैसे टीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, टीटी सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। पहले कक्षा 6 से 8 तक था, अब 1 से 5 और 6 से 8 सभी के लिए है। इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, साक्षात्कार देना होगा, डेमो क्लास देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा। अर्थात डेमो क्लास में आप साक्षात्कार दे के आएंगे, उसके बाद डेमो क्लास आपको एक क्लास दी जाएगी जिसमें आपको कोई स्टूडेंट बैठा लिया जाएगा या कोई बैठा होगा, उसको आपको डेमो देना होगा किसी भी टॉपिक, किसी भी जिस पे आपको बता दिया जाएगा, और आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने पारंगत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। नंबर दूसरा पॉइंट, नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। छात्र एवं अभिभावक इसे जरूर देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी सरकार में, और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार में आई थी, जिसे 1952 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूट जाने पर पहले की पढ़ाई अब बेकार नहीं जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि यदि हम 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि हम 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो हमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वह प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे मैं आगे अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण एवं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नंबर पहला बिंदु है, स्कूलों में 10+2 ख़त्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट, जिसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद
तीन साल का मिडिल स्टेज आएगा, अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 का स्टेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो सके या मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा का, अर्थात 4 साल का यह स्टेज होगा जिसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। अगला पॉइंट छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बिंदु है, साइंस अथवा मैथ, साइंस अथवा गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 में हम विषय चुन सकते थे। अब हमें विषय चुनने की आज़ादी होगी, अपने अनुसार हम विषय चुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सरकारी स्कूलों में भी बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं देखते हैं। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से ही शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के लिए फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल के सबसे आखिरी के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों के लिए कुछ बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कि उनके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी एवं महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके या खत्म हो सके। सरकार छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को ख़त्म करके कौशलों को भरना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, जिससे वह अपने कौशल के दम पर परीक्षा में अत्यंत उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकें। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं, जिससे वह अपने कौशलों के माध्यम से अच्छे परीक्षाओं को दे सकते हैं और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में यह भी बताया गया है कि सरकार बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन कैसे करेगी, इस बात पर ध्यान देते हैं। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा, जिसमें एक छात्र स्वयं करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा, इसके साथ ही तीसरा उसका शिक्षक करेगा, जिससे 3 चरणों में उसका आकलन बहुत ही उत्तम तरीकों से हो सकेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है, जैसे कि हम पूर्व में इसके बारे में बता चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में फिर से बता रहे हैं हम। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश हम आगे नहीं पढ़ पाते हैं या कोई उपाय नहीं हो पाता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल की पढ़ाई के बाद हमें डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी एवं बड़ा फैसला है। इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7, नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को अब एमफिल नहीं करना पड़ेगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे, अर्थात छात्रों के लिए यह शिक्षा नीति बहुत ही सुलभ है, जिसमें सीधे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, खत्म होंगे UGC, NCTE और AICTE, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी, अर्थात एक रेगुलेटरी बॉडी पूरे शिक्षा तंत्र को नियंत्रित करेगी।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9, कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 साल तक के आयु के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, 12वां पॉइंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधान को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान अवश्य होगा, जिससे छात्र अच्छी शिक्षा एवं कौशल के माध्यम से उच्च स्तर की नौकरी अथवा जॉब प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। इन सभी के माध्यम से बच्चों में, छात्रों में कौशलों का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्र सकारात्मक शक्तियों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होगा एवं उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल एवं योग सहायक पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे अन्य लोगों को नौकरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। वर्तमान समय में हम लोग कोरोना महामारी के संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण छात्र विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए यह बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पॉइंट है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के समय छात्र कक्षा को बंक ना करें और उनका मन मस्तिष्क पढ़ाई में अधिक से अधिक लगा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन की स्थापना की जाएगी, जिससे युवा भारत के युवा छात्रों को, युवा छात्र छात्राओं को अपने खेल के कौशलों को निखार कर अन्य क्षेत्रों में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिससे करियर के लिए एक नया अवसर भी प्राप्त होगा एवं शीघ्र से शीघ्र नौकरी के आसार भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए यह नियम समान होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ अभी जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। सभी अपने नियम के अनुसार चलते हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद सभी एक ही नियम का पालन करते हुए अपने संचालन को, इंस्टीट्यूट को चलाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय HMRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 19वां पॉइंट, त्रिभाषा फार्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक अर्थात इसके अनुसार किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। पॉइंट नंबर 20, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। अर्थात यहाँ विदेशी यूनिवर्सिटी का तात्पर्य हम विदेश न जाने के साथ साथ हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने कौशलों के साथ साथ हम उनके कौशलों को भी सीख सकते हैं, जिससे हमें अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत होने का अवसर भी प्राप्त होगा। स्कॉलरशिप के पोर्टल के विस्तार से गरीब छात्र छात्राओं का भी कल्याण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। अगला वीडियो देखने के लिए अपना आशीर्वाद और प्यार हम पर यूं ही बनाए रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।